अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल है ताडा? ठीक ठाक हो तुसी सारे? कैसी तबीयत है ताडी सारिया दी? अल्लाह करे तुसी सारे हसते रहो ते बसते रहो। ते कम शम करके मैं फारग हो गई, सर्दी काफी है। महकमा मौसमियात रोजाना नाल नाल तुहानू दस देंदा वे सर्दी की कैफियत नहीं, ठंड बहुत है। पर मैं कम करके फारग हुई ना, ते थोड़ा सा ब्रेक लेंगे भाई, कि जब तक मैं बाकी का कम करना वे, क्योंकि थकावट भी हो जाती है, ठंड भी है। तो मैं बनाने लगी सर चाय। तो चाय जी है, पानी गर्म हो गया वे, तो बस है पाओ तो फटाफट जी टी बैग सुटो तो चाय बन जाती है। कोई चाय मुश्किल नहीं है। तो मेनू चाय के हवाले ना नायाब जमाने याद आ गए, कि जो नायाब जमाने असी थोड़ा जब करीब आ जाने हाँ ताकि मेरी आवाज सही आवे, कि नायाब जमानिया में जो चाय पीने होने सा चाह तो लोग अज भी पीते ने। ऐसी गल नहीं है कि अज नहीं पीते ने, पर जेड़े नायाब जमानिया की चावं सन आना उस चावं के मजे भी खत्म हो गए ने। कि तो एक तो पहली गल है कि दुध बड़ा खालिस होंदा सी, कि खालिस दुध मिलता सी तो उन्होंने फिर तुम चाह बनाते सो तो बड़ा अच्छा लगता सी। दूसरा है कि पकाने का तरीका दूसरा सी, कि जो साढ़े पकने असं देसी चाह शौक ना पीने हैं कि दुध पा के पत्ती पा के जी काढ़ी जाए तो वह फिर मज़ा आता वे। पर हूँ कुछ ऐसा हो गया वे, कुछ बीमारियां ऐसा आ गई ने कि चलो बी हूँ तुम बस बॉयल करके पानी पाओ और टी बैग सुटो और एक घुट वि दुध पा लो, चलो जी इंग्लिश टी तैयार हो जाती। तो बस जरा पानी जहा हों पी लें, कोई ऐसा नहीं होंगे कि उन्होंने बकायदा किया जाए कि वाकई भी टी है, पर एवं कि चलो नशा पूरा हो जाता वे कि थोड़ा जा पी लें। तो पर वो जी नायाब जमाने चाह होंगी सी बई वह मज़ा ही कुछ होर हों, जिन्हों के घर के दुध होंगे सन, खासकर जिन्होंने घर में अपने मझा होंदिया सन घर, तो वह दुध पत्ती ज़्यादातर लोग पीते स। वैसे भी लोग लिया के दुध सस्ता ही होंगे सी, साढ़े घर भी जिम्मे अक्सर दुध पत्ती बन जाती सी, साढ़िया अपन मझा नहीं सर दुध सस्ता होंगे सी कि दुध पत्ती बनाओ। तो वो जी दुध पत्ती है ना, ओ हो बई वह फिर चाह पीण का मज़ा आता है कि वह चाह पीओ। असी अपने खाला के जो पिंड जाते होंगे स ना, तो खाला के उत्थे असी जाना, तो उत्थे खाला ने बनाना यही दुध पत्ती, उन्होंने अपने घर दिया मझा सन। तो बी इन्ना मज़ा आता सी बी ए देख लो एक मठियाई आई है सानू, साढ़े पड़ोसी ने कमाल भाई उन्होंने घरों, उन्होंने पंजाब पाकिस्तान गए, उन्होंने फैमिली बच्चा गया सी लैके आया, बड़ी अच्छी मिठाई है, पता नहीं ना की है, पर वो जिवें साढ़ी टिक्कियां बन दियां ना बी असी सूजी दियां बनाने, बस उसी टाइप की चीज़ है। पर खाण च इन्नी मज़ेदार है ना, जदों फिर वो पाकिस्तान जाते हैं तो वह फिर सुगात के तौर पर फिर उन्हें सिस्टर बना के देंगे ने, सानू भी जरूर देंगे ने साडा हिस्सा, तो वह ज़्यादातर मेरे ढिड च जाता है क्योंकि मैं मिठे की शौकीन, तो मैं फिर छड़ती नहीं हूँ मिठा। नायाब जमानिया च चाह बनानी, खाला के पिंड दस रहे थे जाने से, खाला ने चाटी भरी होंगी सी दुध की, तो खाला ने वो फिर सानू दुध पत्ती बना के देनी। इन्ना मजा आना कि दुध पत्ती वाली चाह का, फिर गुड़ वाली चाह बनती है, सौंफ पा के चाह बनाते हैं, गुड़ पा के बनाते हैं, शक्कर पा के लोग पीते हैं। चाह दी बहुत किस्म ने, सब्ज चाय जिन्हों जो गुलाबी रंग की होगी, वैसे सब्ज चाय ना कश्मीरी चाय भी कहें, सब्ज चाय भी कहें, वो भी बनती है। चाह दी भी बहुत सारिया किस्म ने, पर ज़्यादातर तो यही पीती जाती है, पर होर तरह लोग पीते हैं। कश्मीरी चाय बहुत शौक न पीती जाती है, पर ज़्यादातर शादियाँ वगैरह च बनती है। असी जो छोटे होंगे सी जाने सियालकोट, तो मेरे अबू दी चाची जड़े ने इकट्ठी जॉइंट फैमिली सिस्टम से, मेरे दादे का घर नीचे सी, उन्होंने छोटे भरा का घर उपर का पोर्शन से, एक ही घर से उपर नीचे का। तो मेरी जी छोटी दादी सन, अबू कहते सी ताड़ी वड्डी दादी है, यह ताड़ी छोटी दादी है। तो साड़ी छोटी दादी अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत नसीब करे, वह सब चाय ही पीते स, वो दूसरी चाय नहीं पीते सर, उन्होंने सब्ज चाय पीनी होंगी सी। तो फिर मैनू बड़ी अच्छी लगती सी, फिर जो कम शम करके ना वही दोपहर के टाइम पर जिमें सूरज काफ़ी चढ़िया ही होंगे सी, पर उन्होंने आदत सी कि दोपहर में पीते सर चाह। तो फिर जो छुट्टिया असं गए होंगे सर, असं उपर खेल रहे होंगे सर,
ਤੇ ਉਹ ਦਾਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਮ ਚੀਨੀ ਦਾ ਬਰਤਨ, ਤਾਮ ਚੀਨੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਮ ਚੀਨੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੀਲੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਮੁੰਡੀ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੀਣੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਦੀ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੋਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਚਾਹ। ਉਹ ਦਾਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਚਾਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਚਾਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਲੱਗਦੀ। ਅਤੇ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ, ਜਿਹਨੇ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਦਾ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁੜ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਤਕਰੀਬਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਪੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਪੀਂਦੀ ਰਹੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗੁੜ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਸਾਂ ਅਤੇ ਬਣਾ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ। ਚਲੋ ਬਈ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਚਮਚਾ, ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਨੰਦ ਅੱਲਾਹ ਜਨਤ ਰਸੀਬ ਕਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀਣੀ। ਉਹ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਖਾਲਿਸ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਖਾਲਿਸ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਅਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਾਂਠੇ ਨਾਲ ਖਾ ਲਈ ਮਲਾਈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲਾਈ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੈਂ ਸਾਂ ਬਈ, ਕਿ ਮਲਾਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਮਲਾਈ ਸਾਰੀ ਖਾ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਲੱਗ, ਚਾਹ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਕੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੰਨੀ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਛੰਨੀ ਰੱਖ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੋ ਕੱਪ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਅੱਬੂ ਸਾਡੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਨਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹ ਦੇ ਦੋ ਕੱਪ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਬੂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਮਲਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਹਵਾ ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਉਸ ਕਾਹਵੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛਾਣ ਲੈਣਾ, ਵਾਹਵਾ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਹਵਾ ਅੱਛਾ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ, ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਸਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਕਿਲੋ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 2 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਦੇਸ਼ਕਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 2 ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮਲਾਈ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਅੱਬੂ ਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਉਸ ਮਲਾਈ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਮਲਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਮਲਾਈ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਦੁੱਧ ਹੀ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੋ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਲੇ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮਲਾਈ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਮਲਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਛੰਨੀ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਲਾਈ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਅਗਰ 1 ਚਮਚ ਵੀ ਚੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ ਮਲਾਈ ਖਾ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ ਦਫ਼ਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਲਾਈ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਲਾਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਥੂ 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 ਛਾਣਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਲਾਈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਆਮ ਇਸ ਚਾਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂਠੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਓ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਾਂਠੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਲਾਈ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤਾਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਚਾਹ ਪੀਓ ਮਲਾਈ ਮਾਰ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਚਾਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤਾਂ ਨਾਇਆਬ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਗਏ
पंजाब एक जगह शादी दे तो उन्होंने पत्ती बहुत घट पाई, दुध पत्ती बनाई पर पत्ती बहुत घट पाई। हर एक का अपना स्टाइल है, चाय पीना बस लोग थोड़ी जी पत्ती पाते हैं, बस दुध में थोड़ी जी पत्ती पा के और बस उन्होंने उबाल लेंगे। साडे घर क्योंकि पत्ती का ज्यादा इस्तेमाल होता, असं फिर परेशान हो गए। चाह तो मजेदार सी पर पत्ती साढ़े हिसाब की नहीं सी, वही हूँ की करिए। तो फिर उन्होंने दसो जी हूँ की करिए उन्होंने कहा। आखिर दोबारा जो उन्होंने चाह बनाई ना, डरते डरते क्या मैं कहा थोड़ी जी पत्ती वध पा दियो साढ़े बच्चे, असं इन्नी चिट्टी नहीं पीने चाह। वो मामी जी मैनू कहन लगे भी तू पहले दस दी सानू ए कड़ी गल है तुहाडी, चाह असी पत्ती बहुती पा जांदे साढ़े घर घट पीती जाती है। मैं कहा भी असी पत्ती ज्यादा पीने। फिर उन्होंने बना के दी दुध पत्ती, खासकर जो घर का दुध होंगे ना खालस, तो दुध पत्ती का फिर मजा ही कुछ हो रहा। फिर तुम पियो दुध पत्ती, इन्ना मजा आता है ना जब हक कोई नहीं। हूँ तो तुम ट्रैवल तो जाओ, चाह का मुश्किल नहीं है, मिल जाती है तुम्हें, ट्रेन में जाते हो तो मिल जाती। इस तरह वरना पहले तो इस तरह होंगे भी घरों निकलने से सफर लिए है परेशानी होंगी सी। मैनू तो खास तौर पर हले भी बड़ी परेशानी इस चीज़ की होंगी है कि सफर तक जाना है बी चाह घरों पी के निकल जाओ। एक दफा एड्डी लालच होंगी है मैंने चाह की तो भी चाह जरूर पी लवा। मैं जो इतने कभी अं पाकिस्तान जाइए इधर आना हो इतों जाना हो तो मैं फिर अपनी भाभी को कहनी हाँ एंड टाइम से सारी तैयारी हो रही होंगी ये बहुत सब, तो मैं कहनी हाँ कि मैंने एक कप चाह बना दे, मैं छेती ने एक कप चाह पी लव फिर मैं भावे रोटी मिले रस्ते च ना मिले करे, क्योंकि मैं चाह की जी तलब है ना वो मेरी बड़ी भैड़ी आदत, भैड़ी आदत ही है, यह भी एक किस्म का नशा ही है भाई होर की है, पर एक आदत लग जाती है फिर छुटती नहीं है। तो वह फिर मैनू तो आदत है चाय की, चाहे फिर मैं जब थोड़ा जहाँ कम शम किया हम पी लाँगी ठीक है, सर्दी करके फिर इस पतली पी लें ना दो कप भी अगर हो जाए तो ठीक है, मतलब पक्की पीओ तो वह फिर दुध ज़्यादा जाता वे तो फिर वो हैल्थ के हिसाब न कहें ठीक नहीं है। इस तरह पतला जहा पानी पी लें, पसंद नहीं है मैनू ए वाली चाह, मैंने पाकिस्तान वाली चाह पसंद है, दुध में पा के तो फैंटा लाओ और जी होटलों तो भी मिलती है तो वह बड़ी मज़ेदार। मैं कभी बाजार जावा ना हैदराबाद क्लॉथ मार्केट उत्थे एक होटल है बहुत सारे दुकानों वास्ते देने इन्नी अच्छी वो चाह है वो जो तक मैं कपड़ा लैनी अक्सर कहेगा बाजी चाय पीनी है, मैं कहनी चल भी पिला दे क्योंकि चाय इन्नी अच्छी है कि तुम मना नहीं कर सकते। वो छोटी छोटी प्यालियां होंगे तवा अल्लाह माफी है तो दो घुट च चाह मुक जाती है, पर फिर भी चलो वो कभी मैं जावा तो उन्होंने पता है कि बाजी शौक ना पीती है तो मखा लेंदा वे, पर दो घुट जी चाह मुक जाती। पर एक दफा स्पेशली मैं असी गए इस होटल की चाय बड़ी अच्छी है, मैं अपनी भैन को लैके गई असी गए सब बाजार, तो मैं क्या तो बुरा तो लग रहा कि हम असं कभी इस तरह होटल से आए नहीं ढाबा होटल, पर नहीं चलो असं एक पास होकर पी ले दो क्या बड़े वाले कप सू बना के दे और असं उतने सू कुर्सियां बहर रख दी असं पीती हाँ। चाह के शौकीन जोड़े ने फिर चाह अच्छी मिल जाए ना तो जरूर पीते हैं। चाह का शौकीन बंदा चाह का रंग देख के दस देंदा कि चाह कैसी कि वो जब सामने आती है चाह, तो फिर मैं किसी के घर जावा मैं चाय अच्छी लगे मैं बिना तकल्लुफ मंग लैनी हूँ दोबारा, मैं कहनी हाँ मैं एक कप होर दे दवो चाह बड़ी चंगी है ताड़ी, तो फिर अगर नॉर्मल होंगी है तो ठीक है बी फिर एक कप पी लें बस दफा तो एक कप पीना भी मुश्किल हो जाता वे, पर वेखे जो मैं अच्छी लगे तो मैं जरूर मंग लैनी हाँ कि भी मैं चाह दे दवो मैं बड़ी अच्छी लगी, ये कोई शर्म वाली गल नहीं है, अच्छी लगे तो मंग लवो तो पी लवो। तो चाह के हवाले ना मैं चाह बना लगी सा तो मैं याद आया मैं क्या चलो नायाब जमाने की असी याद शेयर कर लें कि मैं मलाई वाली चाह पीनी होनी सा, हूँ तो अरसा हो गया यकीन मनो कि पता नहीं किन्ने साल हो गए मैं मलाई वाली चाह ही नहीं पीती, तो हूँ इंशाला जो भी कभी पाकिस्तान गई ना तो मैं मलाई वाली चाह पीनी जरूर है, एक दफा जरूर अपना कहते ना नशा जरा वे लाना वे क्योंकि मैं बहुत पसंद है मलाई वाली चाय। बहरहाल अपना अपना टेस्ट है अपना अपना जायका वे, कोई चीनी पा के पींदा कोई शक्कर पा के पींदा कोई गुड़ वाली पींदा कुछ फिक्की पींदा हर एक दिन, मैं भी वैसे हूँ फिक्की शुरू कर दी है हूँ जरा ना एहतियात की जरूरत है फिक्की पीनी है लेकिन इन्हों दिन खांसी रही है इस तो फिर मैं गुड़ इस्तेमाल करती रही हूँ कि चलो खांस उस तरह नहीं फिर खाधा जाता क्योंकि उस तरह मैं गुड़ बहुत शौक न खानी हाँ, पर वह गुड़ जो पाकिस्तानी अपना होंगे कि ऐसा दी मार के तोड़ो थोड़ा जहा सर धोवे बड़ा मजा आता
पर तो मैं लैके आई सर थोड़ा जहा नरम से, तो फिर मैं खाने चो मजा नहीं आया सी। फिर मैं कहा चलो मैं चाय विच पा के तो हूँ पी लैनी है, जिस दिन फिर दो चार दिन बाद दिल करता है ना तो चाय च पा के पी लैनी है, तो फिर एवं कि खांसी वगैरह वास्ते अच्छा। ऐसी कहानी जी चाय दी, तो हुण असीं पीने आ चाय, ते फिर मिलने हैं इंशाल्लाह असीं फिर किसी एक नवी गल दे नाल, क्योंकि नायाब जमाने दे किस्से खत्म नहीं होने, तो असीं सुनांदे रहना वे ते असीं जिक्र भी करते रहांगे, ते फिर इंशाल्लाह कल किसी एक नवी याद दे नाल नवी गल दे नाल तुहाडी खिदमत च आवांगे। हुण मैं चलनी हाँ, अल्लाह हाफिज ते रब राखा।